ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर मंडल के कमिश्नर लोकेश एम की पहल लाई रंग। अब सहारनपुर मंडल में सभी तहसील पर मृतक आश्रितों के नाम 7 दिन के अंदर होगी विरासत दर्ज। किसी भी संपत्ति मलिक की मृत्यु के 7 दिन बाद संबंधित लोगों के नाम विरासत होगी दर्ज। देवबंद तहसील में 11 लोगों को SDM द्वारा सौंपी गई विरासत के कागजात। यूपी के सहारनपुर मंडल में एक नई शुरुआत। योजना के माध्यम से किसानों को होगा सीधा लाभ। पूर्व में किसानों को एक एक वर्ष लग जाता था विरासत दर्ज कराने में। सहारनपुर मंडलों की सभी तहसील पर एक साथ हुई योजना की शुरुआत। तो ये अभियान चलेगा। देखिए, ये जो है हमारे यहाँ, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि कृषि भूमि में जो है, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है जिन खाएदारों की, उनकी लेखपाल जो है विरासत दर्ज करता है, उनके वारिसानों के नाम दर्ज करता है। तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया है। 1 अप्रैल से माननीय आयुक्त महोदय द्वारा एक विशेष जनपद में अभियान चलाया गया है और सरकार शासन के निर्देश भी हैं। तो उसी क्रम में ग्राम ग्राम में जो है ग्राम लोगों द्वारा, लेखपालों द्वारा विरासत तस्दीक की है खतौनी पढ़ करके, और जो लोग मृतक पाए गए हैं उनकी विरासत, उनके वारिसान जिनमें कोई मुकदमा नहीं चल रहा है या कोई विवाद नहीं, उनका विरासत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे लगभग तहसील में हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 9 मई तक 140 मृतक खातेदारों की विरासत दर्ज की गई है। और उसमें यह भी है कि हम लोग उनकी खतौनी भी लेखपाल के माध्यम से उनके घरों पर ही दिलवा रहे हैं। सर, कब तक चलेगा अभियान ये? अभियान तो वैसे अभियान के रूप में तो अभी चल ही रहा है लगातार, और आगे इन लोगों को हमने, लेखपालों को ये निर्देश दे रखे हैं कि भाई किसी को भी कम से कम 1 हफ्ते के अंदर उनकी विरासत दर्ज हो जाएगी।